हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम। चैप्टर है अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर के बच्चों देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पहले क्लियर होने चाहिए कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और अब इनके आधार पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और यहाँ पे आपके सामने है ये क्वेश्चन 12.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे कथन आपको दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, और ट्रू कैसे पता लगेगा बच्चों? देखिए आपके सामने जैसे पार्ट सी है, ठीक है, पार्ट सी में 99 kg अनुपात 45 kg। ठीक है, तो ये एक रेशियो आपको गिवन है और दूसरा रेशियो है 44 रुपए और 20 रुपए। हालांकि देखिए ये केजी में है, ये और ये रुपए में है, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। लेकिन बच्चों समझना कि भाई अगर हम रेशियो निकालते हैं ना, जैसे ये केजी में होता, ये रुपए में होता, तो गलत हो जाता पहले ही। लेकिन यहाँ पे रेशियो तो सेम यूनिट में निकाला है हमने, केजी में ही निकाला, इसका रेशियो और इसका रुपए में ही निकाला है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर दो अलग अलग हम रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो जैसे एक रेशियो हमने केजी का ले लिया, दूसरा रेशियो हमने रुपए में ले लिया, किसी चीज दूसरी चीज में ले लिया, तो उनके अनुपात को हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, वो बराबर होने चाहिए। तो अगर वो बराबर है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे आप और जल्दी से सॉल्व करेंगे पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी को हल करके बताएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे ही हम सारे करेंगे, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। ठीक है, ये सारे हमें करने हैं, जबकि फर्स्ट टू पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट डाउन करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे का आंसर आ गया हो, अपना आंसर आप शेयर कर दें। यहां पे पार्ट सी में 99 kg अनुपात 45 kg है, तो इसको हम कर सकते हैं 99/45 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद कैंसल आउट कर दीजिए बच्चों। इसको कैंसल आउट करके देखिए क्या आता है। ये 99 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 से जरूर होगा। ये 3 से करके ये आ जाएगा 33। 45 को भी हम 3 से भाग कर सकते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 15 आ गया। अब फर्दर इसको 3 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 11/5, दैट इज 11:5। तो बेसिकली हर बार हम क्या करते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के हमारा जो अनुपात आता है वो एक्चुअली में आपको ये बताएगा भाई, सबको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कौन सा रेशियो इक्वल है। ठीक है, जैसे अगला क्या है, 44 रुपए दिया है, कितने, 44, तो लिखेंगे 44 रुपए / 20 रुपए। तो इसको 44/20 लिख सकते हैं हम। उसके बाद 2 से भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10। फिर से 2 से करेंगे, ये 11 और ये 5, कितना आ गया, 11/5, दैट इज 11:5। तो बच्चों चीज को समझना, यहाँ पे आपको गिवन है 11:5 आ गया है और इसका भी 11:5 आ गया है, तो ये दोनों अनुपात इक्वल हैं, है ना।
ये तो यहाँ पे हमें पता लग गया ये इक्वल है, यहाँ पे देखने से तो नहीं पता लग रहा ना, 99 kg अनुपात 45 kg और ये 44 kg अनुपात 20 kg है, लेकिन जब हम इनको सिंपलीफाई करके इनका अनुपात लिखते हैं तब ये दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये एक्चुअल में इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, भाई ये कथन सत्य है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल अनुपात है और यहां पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है कंप्लीट। तो अगला सवाल देखिए, पार्ट डी आप करेंगे अपने होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क में करेंगे, पार्ट ई को यहाँ पे एक बार हम कवर करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पार्ट ई में क्या बोला गया है आपको, देखिए 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो एक अनुपात है किलोमीटर्स में, दूसरा है आवर्स में। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम 45 किलोमीटर को 60 किलोमीटर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 45/60 कितना आ जाएगा, देखिए आपको अगर पहाड़ा आता है 15 का तो सीधा सीधा पता लग रहा, 15 × 45, 15 × 64, 15 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आता है टेबल, कोई दिक्कत नहीं, 3 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 15, 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 × 15 और ये 5 × 20, तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 3:4, 3:4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसको देखिए, ये है 12 आवर्स, अनुपात 15 आवर्स, क्लियर है? अब इसको क्या करना है बच्चों, हमें 12/15 यहाँ पे लिख देना है, 12/15 कैंसल आउट कीजिए, 3 से करेंगे, 3 × 12, 3 × 5 = 15, कितना आ गया 4/5, दैट इज 4:5। देखिए इस बार चीजें थोड़ी ही अलग देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे 3:4 आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करके, और इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 4:5, तो दोनों ही अनुपात अलग अलग आ रहे हैं। इसको 3:4 को और 4:5 को इक्वल तो नहीं कह सकते हम, और यहां पे लिखा हुआ है पहले से ही इक्वल, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आप लिखेंगे हेंस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या बोला, हेंस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है इसी के साथ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल अब हम करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन समझिए पहले, आपको यहां पे बोला गया है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स।
वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो बच्चों बोला गया है कि भाई जो नीचे दिए गए अनुपात हैं, अनुपात देख पा रहे हैं आप, जैसे फर्स्ट पार्ट में 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर 40 रुपए अनुपात 160 रुपए, तो ये आपको दो अनुपात दिए गए हैं। और सवाल पूछा गया है कि क्या ये जो अनुपात हैं पार्ट ए में ये समानुपात बना रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही चार पार्ट इसके दिए गए हैं, जैसे पार्ट ए दिया है बी सी डी, और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये अनुपात समानुपात बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं समानुपात तो आपको क्या लिखना है, एक तो मध्य पद लिखना है, मिडल टर्म यानी मध्य पद आप लिखेंगे, मध्य पद लिखेंगे, एंड एक्सट्रीम टर्म्स यानी चरम पद, ठीक है। तो मध्य पद लिखेंगे और चरम पद लिखेंगे। अब क्या होते हैं मध्य पद और चरम पद, देखिए मैं आपके लिए अगर प्रोपोर्शन लिखता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन से उठा लेते हैं। तो हमारे पास रेशियो है, जैसे यही ले लो 99 kg और 45 kg, 44 kg, 20 kg, है ना, 99 kg अनुपात 45 kg, ये समानुपात बना रहे हैं किसके साथ, 44 और 20 के साथ, है ना, 44 रुपए अनुपात 20 रुपए, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये अनुपात समानुपात बना रहे हैं। कैसे पता किया भाई, इनको हमने कैंसल आउट किया तो ये कितना आ गया, 11/5, और ये भी 11/5 आ गया, तो ये प्रोपोर्शन में है। मतलब जो ये अनुपात अगर इक्वल हुए, अगर ये अनुपात इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो ये प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज समझना बच्चों, कि अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये अनुपात जो है ये इक्वल है, भाई प्रीवियस क्वेश्चन में तो इक्वल टू का साइन ही लगा रखा था, तो अगर ये इक्वल है रेशोज तो ये प्रोपोर्शन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और अगर प्रोपोर्शन बना रहे हैं तो ऐसे इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, दोनों रेशियो को प्रोपोर्शन में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ऐसे समझ में आ गया आपको, अब देखिए चलो ऐसे ही लिख लेते हैं विदाउट इनकी यूनिट, 99, 45, 44 और 20। अब देखिए जो मध्य पद है वो वैसे पद होते हैं, वो पद होंगे जो मध्य में आते हैं, जैसे 45 और 44 ये बीच में आ रहे हैं, बीच में दिख रहे हैं आपको, तो इनको बोलेंगे मिडल टर्म या मध्य पद, मिडल टर्म या मध्य पद। अब चरम पद क्या हो गया, या फिर एक्सट्रीम टर्म किसको बोलते हैं भाई, जो बिल्कुल किनारे पे होंगे, तो किनारे पे होंगे इनको बोलेंगे हम एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। तो कौन से हो गए, 99 और 20 आ गए यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ये मध्य पद और चरम पद हो जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह से सिमिलरली आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में करना है। आपको इनको पहले तो चेक करना है कि ये दोनों अनुपात इक्वल हैं या नहीं, और अगर इक्वल हैं तो उनका प्रोपोर्शन में लिख के मध्य पद और चरम पद निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है आप हैंड रेज करके दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूं। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है और कैसे करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है, तो पार्ट ए को आप जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों
फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर लिया है आपने, तो आंसर आप शेयर करेंगे अपना जल्दी से, उत्तर बता दीजिए क्या आएगा। और यहां पे हम इसको एक साथ अब सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए देखिए सॉल्यूशन, और पार्ट ए का यहां पे गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। अब बच्चों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर ये 25 सेंटीमीटर में दिया गया है तो इस एक को भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो पाएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर को एज इट इज रहने देंगे, और जो 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे 25/100, तो टेबल तो सबको आता होगा, 25 चौके 100 है ना, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 25 से दोनों कट रहे हैं। लेकिन अगर किसी को भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, तो 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 5 × 5 = 25, और ये आ जाएगा 5 × 20 = 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये आ गया 1/4, दैट इज 1:4, 1:4 आ गया। अब सिमिलर चीज करेंगे हम 40 रुपए और 160 रुपए के साथ, तो ये आ गया ₹40 = ₹160। ये देखिए ये रेशियो क्या है, दोनों की यूनिट सेम है, रुपए में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, 40/160 इसको लिख लीजिए, और देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1/4 यानी 1:4। अब देखिए ये दोनों रेशियो क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं सिंस बोथ रेशियोज आर इक्वल देयर फोर दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब दोनों अनुपात समान हैं, इसीलिए वो एक समानुपात बनाते हैं, लिख दिया। अब समानुपात बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम मध्य पद और चरम पद लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे सिंस बोथ रेशियोज आर इक्वल इक्वल दे फॉर्म प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन बनाते हैं। अब कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे, आपके सामने है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, फिर समानुपात कितना है, 40 रुपए अनुपात 160 रुपए, दैट्स इट बच्चों, क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। और अब लास्ट पोर्शन बचा है इस क्वेश्चन का, क्या बचा है, लास्ट में बोला गया है राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म, तो यहां पे मिडल टर्म लिखेंगे आप, मिडल टर्म, मिडल टर्म कौन सी हो जाएंगी, 1 मीटर और 40 रुपए, 1 मीटर एंड 40 रुपीज, क्लियर है। और एक्सट्रीम टर्म कौन सी हो जाएंगी, 25 सेंटीमीटर और 160 रुपए, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160, ये हो गई आपकी एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो एक पार्ट इसका और करते हैं, चलिए
इसको कुछ आप इसमें होमवर्क में भी करेंगे कुछ पार्ट्स। तो सबसे पहले आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं बता दूं। जो पार्ट बी है बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको होमवर्क में आप कर लेंगे। ठीक है, पार्ट बी को होमवर्क में आप कर लेंगे और सिमिलरली आप पार्ट डी को भी होमवर्क में कर लेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। अब हमें पार्ट सी करना है। यहाँ पे क्या करना है, पार्ट सी करना है। पार्ट सी को देखिए, 2 kg रेशो 80 kg। अब यहाँ पे चीज हमारी आसान हो गई है, बिकॉज एक 2 kg है, एक 80 kg है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई ग्राम में होता, कोई केजी में होता, तो हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे चीजें आसान है हमारे लिए, तो हम कर सकते हैं 2/80 कैंसल आउट कीजिए, 2 × 2 = 2, ये 40 आ जाएगा, तो 1/40 यानी 1:40। क्लियर है? 1:40 आ गया। अब दूसरा देखिए क्या है इसके बाद, दोनों ग्राम में है तो यहां भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 25 ग्राम है और अनुपात 625 ग्राम। क्लियर है? दोनों ही ग्राम में है बच्चों, तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम इसको लिख सकते हैं 25/625, 25/625। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा, सोचते होंगे आप कि भाई यहां तो ग्राम लिखा था, यहां फिर हमने ग्राम क्यों हटा दिया? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब सेम यूनिट है तो कट जाएंगी ना, तो इसीलिए हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं। और देखिए 5 से अगर इसको कैंसल आउट करेंगे, 5 × 5 = 25 कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25। इसको 5 से आप डिवाइड करके देखो। अब डायरेक्ट आपको डिवीजन आता है तो डायरेक्ट करेंगे तो आपका बहुत समय बचेगा। कैसे, जैसे पहले 6 को 5 से भाग करो, इस तरफ से शुरू करते हैं। 6 को 5 से भाग किया, कितना आ गया, ये आ गया 5 × 5, 1 बच गया। फिर अगली वाली डिजिट देखिए, 2 है तो हम 12 लिख देंगे उसको, है ना। तो 5 × 2 = 10, 2 बच गया, फिर 5 उतार लिया हमने तो 25 बन गए, 5 × 5 = 25, 125 आ जाएगा। फिर से सेम चीज रिपीट करेंगे, 5 × 5, और ये 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, तो ये आ गया 1/25, दैट इज 1:25, 1:25 आ गया। अब देखिए कि 1:40 है, 1:25 है, तो दोनों अनुपात अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारे अनुपात इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करेंगे बच्चों। प्रोपोर्शन तभी फॉर्म करेंगे जब रेशियोस इक्वल आएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस सिंस रेशियोस आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, क्योंकि रेशियोज इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शन में होंगी ही नहीं तो मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म यानी मध्य पद और चरम पद कहां से आएंगे, तो हमारे पास मध्य पद और चरम पद भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आप जितना हो सके बच्चों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।